एक मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन एक मिनट सोच कर लिया वो फैसला जिंदगी जरूर बदल सकता है। राम राम सा खम्बा गणी पिंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 37 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, जरूरी नहीं कि दोस्ती में रोज बातें हो, खामोशी से एक दूसरे की डीपी देखना भी दोस्ती होती है। एक नई स्कूल टीचर स्कूल में मैंने पढ़ने वास्ते आई, दो टबरिया ने एक जड़ देख पूछो थे तो कहीं चुड़वा हो, तो एक टबरे बोले नहीं माँ तो पड़ोसी। हाँ रमेश कहवे मम्मी मैं मोटो ने एयरफोर्स में जाऊला और अपर घर रे उपरू अभी जाज उड़ाऊ। तो रमेश की माँ बोली के मने कई ठा पड़ी को थारो अभी जाज है। तो रमेश कह रहे मैं घर रे माते बम फेंकन जाऊ। एक औरत का दर्द, काम करू तो सांस फूल जावे और बैठ जाऊ तो सांस रो मुंह फूल जावे। एक लड़की से उसकी शादी के बाद पहली बार एक सहेली मिलने आई, वो आपस में बातें कर रही थी तो लड़की उसको बताती है, लड़की मुझे अपने पति पर शक है कि वो रोज बाहर किसी से मिलते हैं। तो सहेली हैरानी हुई बोली ओ तो तुम अब क्या करोगी। तो लड़की कहे आज ही उनके पीछे अपने दो बॉयफ्रेंड लगाती हूँ। लड़के ने चार बार लड़की को प्रपोज किया पर लड़की नहीं मानी। लड़का देख लास्ट बार एक बात पूछनी है। लड़की कहे क्या। लड़का क्या तू चाहती है कि मेरा बेटा तेरे लड़की को छेड़े। तो लड़की कहे नहीं बिल्कुल नहीं। तो लड़का बोला जल्दी हाँ कर दे दोनों को भाई बहन बना देते हैं। एक लुगाई कपड़ा खरीदने गई, दुकानदार पूछे कड़ा सूट दिखाऊं भाई। तो लुगाई बोली पड़ोसन तड़प तड़प न मर जावे अड़ो सूट दिखा। एक निगरो मरने के बाद स्वर्ग गया, परी कहती है तुम कौन हो। तो निगरो बोलता है मैं टाइटैनिक का हीरो हूँ। तो परी बोले टाइटैनिक डूबी थी जली नहीं थी काले। भाषा मछलियन कहवे के मछलियाँ सोना अधिक कहाँ होता है। तो मछली कहवे जी रातें जहाँ लंबी होती है वही सोना अधिक होता है। आजकल जितनी भीड़ कोचिंग सेंटर मत लागे है, पहले इतनी भीड़ आंगनबाड़ी में पिंजरी खड़वा से लागती। प्रेमिका प्रेमी से तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्रेमी बोले हाँ। प्रेमिका बोले अगर मैं मर जाऊंगी तुम रोओगे। तो प्रेमी बोले हाँ बहुत बहुत। प्रेमिका बोले तो जरा रो के दिखाओ। तो प्रेमी बोले पहले तुम मर के दिखाओ। बेबी ने बेस पसंद है, बाबा ने कलेस पसंद है और रमेश डोबा ने जड़ दो गणेश पसंद है। क्लास में टीचर बोली इंग्लिश में माय टीचर पर निबंध लिख कर बताओ। थोड़ी देर में एक लड़के ने खड़े होकर पूछा मैडम जी चमक छलो को इंग्लिश में क्या कहेंगे। लड़की बोले मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख बांट लूंगी। लड़का बोले मैं दुखी कहाँ हूँ। लड़की बोले मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। प्रेमी बोलता है इंतजार की घड़िया बहुत लंबी होती है। तो प्रेमिका बोले किसी और कंपनी की घड़ी खरीद लो। मार साहब मसरियन कहे बता मसरिया दिन में तारा किन टाइम दिखाई देवे। तो मसरिया कहे जाना जोरदार थप्पड़ पड़े। छोरी बोले तुम पैदल क्यों आ रहे हो, ऑटो पे आना चाहिए था। तो छोरो बोले तुम्हें तो कहा था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। प्रवीण कहे ये देखो मेरा iPhone 8। गर्लफ्रेंड कहे ओ जानू मुझे भी दिला दो ना। प्रवीण बोले तुम आईफोन 8 रखकर क्या करोगी, करनी तो तुमको मिस कॉल ही होती है। रमेश तेरी माँ गुस्सा करती हो। रमेश बोले नालायक कभी कोई बुक खोलने भी पढ़ लिया कर। रमेश कहे हाँ मैं रोज खोलता हूँ एक बुक। रमेश तेरी माँ कहे कौन सी बुक। रमेश कहे फेसबुक। राहुल अपने भूतपूर्व शिक्षक से बोलता है सर टीचर डे पे आपको क्या उपहार दूं। तो टीचर बोले बस तुम वादा करो कभी किसी को नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है। बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था, रास्ते में किसी ने पूछा बेटा पढ़ते हो। बच्चा कहे नहीं स्कूल ड्रेस पहन के तेरे बाप की बारात में जा रहा हूँ। टीचर कहे इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। तो रमेश कहे मैं तो लोयर मेरे पानी काट सकूं। तो टीचर कहे कैसे। तो रमेश कहे हैंडपंप वास्ता नहीं रखना तो फिर मुझ पे नजर क्यों रखते हो, मैं किस हाल में जिंदा हूँ ये खबर क्यों रखते हो। गुंडा कहे चल हफ्ता निकाल। तो रमेश कैलेंडर फाड़ते हो बोलियो ले पूरा महीने रख। सुबह उठते मोबाइल व्हाट्सएप खोलते सुबह 50 अड़ा वो ग्रुप रहा तड़ाधड़ मैसेज आवे एडी फीलिंग आवे दुकान खोलते 8-10 हजार बिक्री हुई थी। प्रवीण कहे पापा आप अंधेरे से डरते हो। पापा कहे नहीं बेटा। बेटा कहे बादल बिजली और शोर से। पापा कहे नहीं बिल्कुल नहीं। तो बेटा कहे पापा इसका मतलब है आप मम्मी को छोड़कर किसी से नहीं डरते। क्लास में पढ़ाओ तमार साहब मसरियन पूछ रही यदि तुम्हारे पास 12 चॉकलेट है उनमें से तुमने 3 बीना को दे दी 4 सीना को 5 रीमा को तो बताओ तुम्हारे पास तुम्हें क्या मिलेगा। तो छात्र सोच कर बोला सर 3 गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। नहीं नहीं। रमेश बोले मैं आज मेरे गर्लफ्रेंड की फोटो माते कमेंट करियो सो क्यूट और गर्लफ्रेंड मैंने फोन करने 100 गालियां दी। मैंने पूछा आखिर मैंने किया क्या। तो गर्लफ्रेंड बोले तू कुत्ते क्यों बोलियो। कसम से रोना आ गया देसी ने पढ़नी नहीं आवे। आजकल के लड़के साइकिल की चैन भले ही ना चढ़ा पाए पर साला मोबाइल का पैटर्न लोग ऐसा लगाते हैं जैसे कोई काले धन का राज इसमें छुपा हो। रमेश बोले आजकल तू रिप्लाई नहीं देती। छोरी बोले तू हैंग दिन देसी मैसेज भेजते रहे तो मैं थारे वास्ते कंपनी में मैसेज करू ले लू। एक स्टाइलिश लड़की छोरा ने आवाज देती अरे ओ भाईजान सुनिए तो। तो रमेश बोलियो अरे ओ हीरोइन पहले ये फैसला कर ले भाई या जान खाली पॉकेट में कंफ्यूज कर रही है। एक आदमी बाबा की सत्संग सुनकर घर आया
घर आकर बीवी को निकाल दिया, नौकरानी से शादी कर ली। रिश्तेदारों ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोला बाबा ने बोला है माया को छोड़ दो और शांति के साथ रहो। एक जना कह रहा है किसी ने इश्क किया है क्या, किसी से बात पूछनी थी। एक इश्क तीखा होता है या मीठा। एक दोस्त दूसरा कह रहा है कि यार धोखा हो गया। दोस्त बोले क्या हुआ, तो दोस्त बोले मैंने घर से किताबों के लिए पैसे मंगाए, उन्होंने किताबें ही भेज दी। मार साहब कहवे ताजमहल कौन बनायो, प्रवीण कहवे जी कारीगर ने। मार साहब कहवे कि मेरा मतलब है बनवाया किसने था, प्रवीण कहवे ठेकेदार ने। मार साहब कहवे बेटा बंटी बताओ एक को एक से कैसे जोड़े कि तीन हो जाए, बंटी कहवे उनकी शादी करा दो। मार साहब कहवे हिंदी की पहली साइलेंट मूवी का नाम बताओ, रवि से कहवे मूवी साइलेंट थी तो आप कैसे कह सकते हो कि वो हिंदी की थी, साला अगर कुंवर आया तो बन सगाई नहीं हो पा रही है। तो तानो मार ने जवाई ने हुनाई थोड़ी तो वेगी इन अभी तो की सेटलमेंट करो, पानी पीणो वे तो हाथे जान लेना आना पड़े, कोई कौन लान दे। ससुराल पक्ष में जवाई ने शादी में इनवास मनवार वास्ते बुलावे की ताकि जवाई ने टबरी हमार सके, बीबी और सासू जी आराम महिला संगीत में डांस कर सके। जरा अगर बीवी में ससुराल में कुछ कह दो तो सासू जी ने तुरंत जवाब आ जावे एक वो एक रिश्ता आया पर थई मिले था मार छोरी दुखी करण वास्ते। देखो सा जमाई रे साथे ससुराल में 2000 रुपए ली कियो जवण वालो माणा हाते रो व्यवहार, पहली जमाई रावणे पतो चालतो तो ससुर जी डाडी बीजी वणान तैयार टम ढोन वाणा स्वागत वास्ते तैयार रहता। जमाई आवता तो मान मनवार घणी मिलती, छोरे दौड़े रसोई में पड़ जाती, सासू जी पानी पिलावती कहती धीरे सी आग आ गई, अने आवड़ा समाचार मिलतो घड़ी रागती पागती रहे लोग चाय वास्ते बुलावता। काकी सासू जी बाब या बीजी हैंग मीरे नाटर हीरो बनावती, जवई खुद अड़ो महसूस करतो कि वो पूरे गांव रो जवई है। जवई रे घरे आनर बाद सब लोग डिसिप्लिन में आ जावता, जवई जी बाथरूम बारे आवता तो बना हाथ लाए बोए हबू धुआवता, भले खुद उजड़ा हबू ना आवता रो। जवई बीजे आ जाता तो सुबह दातन करने वास्ते पेस्ट एंड बुरुस एंड हैंग लेर उबा रहता, एंड जवई जात टाइम आपने लुगे ने बेटा स्कूटर ने पहले गैर गालन भंडार करता जावता तो वो प्रभाव ससुराल में हगड़ो गेड़ो पड़तो। आज कल जमाई दुर्दशा देखो, आज कल जमाई कोई लुगई लाज नहीं रखे, खुद ही लुगई सलवार कुर्ता में आगती बागती घूमती रहे। काकी सासू जी बाप यान बीजी मिले हैंग बीजी को रिश्तेदारी निकालने नहीं बोल दे आपा तो जमाई वाला रिश्ता कौन सा। एक गर्लफ्रेंड आपरे बॉयफ्रेंड ने कहवे क्या तुम मुझे याद करते हो, बॉयफ्रेंड मुस्कुरा ने जवाब दियो याद करना ही तो आसान होता है तो मैं कॉलेज रे महीने याद करन टॉप नहीं जाओ। तो माँ आपरे बेटा ने डॉक्टर कने लेने गई, माँ कहवे मारे बेटा ने सुबह खांसी घनी होगी, लेडीज डॉक्टर कहे लंबी सांस लो, बेटा कहवे ओके मैडम, लेडीज डॉक्टर कहवे कुछ महसूस हुआ, तो बेटा शरारती नजरों में बोलियो आपका डीओ बहुत ही करारा है मैडम जी, जो कि अपा हमें साल रहा 12वां महीना मैंने आई गया हाँ तो ओ साल भी हमें जाऊन वालो है, जाने अनजाने मैंने 2017 में मारू कोई गलती वेगी वे या मैं थोड़ो कोई दिल दुखायो हूँ या पड़े कोई मैं तकलीफ दी हूँ तो 2018 में भी तैयार रही जो, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेला अपा को नहीं बदला। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और हम अलग हो गए, रमेश कहवे पच्चे उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फोटो खींच कर मुझे भेजी है, बहुत बुरा किया उसने। रमेश कहे मैं कौन सा कम हूँ, मैंने उसकी वही फोटो उसके बाप को भेज दी, कमेडी बहुत पिटी और मेरे अब काल जी बैठन तो गई है। राम राम साहब खम्मा गणी जय श्री कृष्णा, हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर जरूर कर जाओ और कमेंट करना मत ही भूल जाओ। जय श्री कृष्णा।